सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 43 विधानसभा सीटें जिन पर सुबह से ही मतदान हो रहा है, पोलिंग बूथों पर लोग बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। बता दें कि शाम 5 बजे तक पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। तो एक तरफ झारखंड जहां पर 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसे लेकर सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि सुबह 9 बजे तक की बात करें लगभग 14% के आसपास यहां वोट परसेंटेज सामने आया है। 100% का अलग अलग जगहों से यहां पर वोटिंग परसेंटेज देखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया वहां भी शुरू हो चुकी है। 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अगले 5 सालों के लिए कौन सी पार्टी यहां पर कमाल दिखाती है, चूंकि पहले चरण में 683 उम्मीदवार है जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई और आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ कोडरमा से जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, कोडरमा में किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, यहां लोगों का कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीरें हैं यहां पर केंद्रों के बाहर, व्यवस्थाएं कैसी है, तमाम जानकारी। और बिल्कुल देखिए, अगर कोडरमा की बात की जाए तो यहाँ पर माहौल काफी अच्छा नजर आ रहा है। अगर 11 बजे तक की बात की जाए तो करीब 16% वोटिंग जो है वो कोडरमा में हो चुकी है। त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो आपका पहला सवाल था क्या कुछ सुविधाएं इस बार दी गई हैं, तो देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल बूथ पर और ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मॉडल बूथ पर तैयारियाँ जो हैं वो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा किस तरीके से की गई है। तमाम जगहों पर बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं जहाँ पर कहा गया है कि ये जो मॉडल बूथ बनाया गया है यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं और अलग अलग निकासी की गई है, लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि प्लास्टिक मुक्त से बनाया गया है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। लोग जो हैं जो मतों का अपना प्रयोग करने के लिए आए हैं वह यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले रहे हैं। कई लोग जो हैं वहाँ पर सेल्फी लेने आए हुए, देखिए कई मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग कर चुके हैं और मतों के प्रयोग के बाद सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले रहे हैं। कई महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपने वोट दे दिया है? यस यस। अच्छा ये बताइए किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है, क्या लगता है कि आज भी कोडरमा में किस चीज की कमी है? कोई कमी नजर नहीं आती? नहीं नहीं सर। महंगाई आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा है? महंगाई है? हाँ हाँ, महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो खान पान के सामान में सबसे महंगी चीज क्या मिल रही है? क्या अभी तो सब्जी उब्जी तो बहुत ज्यादा महंगा है, महंगा हो गया, तो लगता है कि महंगाई कम होनी चाहिए? यस यस। एक मुद्दा जो गृहिणी होती है उनकी महंगाई की भी होती है। सर क्या आपने वोट दे दिया है? क्या आपको लगता है कि मुद्दे इस बार कोडरमा के हैं, सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की होती है? सबसे ज्यादा विकास तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कोडरमा में जैसा हमको लग रहा है। दूसरी बात है कि हम लोग का वार्ड में जिस जगह रहे हैं गंदगी साफ सफाई सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। साफ सफाई और विकास एक बड़ा मुद्दा लगता है? हाँ, जो कि नहीं है यहाँ पे। अच्छा क्या रोजगार भी नजर आता है, क्योंकि आमतौर पर बिहार और झारखंड के लोग पलायन कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। रोजगार का तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ के लोग बहुत लोग पलायन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो यहाँ पर मायका पत्थर चलता था वो भी बिल्कुल बंद है। अच्छा, सारे रोजगार के जो अवसर थे यहाँ सारे बंद? करीब करीब तो मैं तो समझता हूँ कि करीब करीब तो बंद ही है। तो देखिए एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है क्योंकि यहाँ पर रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा नज़र आ रहा है। लोग पलायन करते हैं और आमतौर पर बिहार और झारखंड एक ऐसा राज्य होता है जहाँ से लोग पलायन करके बाहर जाते हैं और बाहर रोज़गार के अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि दूसरी तरफ लोग जो यहाँ पर है अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, लोग सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। करीब 16% मतदान जो है वो अब तक हो चुका है और आगे भी मतदान जो है वो हो रहा है। क्या सर आपने मतदान कर दिया है? अच्छा ये बताइए किन किन मुद्दों पर आपने मतदान किया, क्या लगते हैं कि आज भी कोडरमा में किन चीज़ों की कमी है? अभी स्वास्थ्य की कमी है, शिक्षा की कमी है। अच्छा मतलब ये मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी यहाँ पर नहीं है? नहीं। क्या बिजली पानी सड़क रोजगार ये एक मुद्दा नजर आता है? जरूरत तो है। अच्छा जरूरत है, मतलब ये सारी चीजें भी अब तक नहीं मिल पाई? अभी मिली है मगर पूर्ण रूप से नहीं मिली। क्या लगता है जब बिहार झारखंड 2000 में अलग हुआ उसके बाद कोडरमा का विकास हुआ? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है, जितना होना चाहिए वो हुआ है या उतना नहीं? वो थोड़ा कम हुआ है। तो बिल्कुल देखिए एक उम्मीद जो लोगों की होती है, आमतौर पर बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो कोडरमा का जो विकास है उस तरीके से नहीं हो पाया। कोडरमा घाटी के तौर पर भी माना जाता है और यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी पहाड़ी इलाका भी होता है, यानी जो क्षेत्रफल है उसमें काफ़ी ज़्यादा इलाका जो है वो पहाड़ का इलाका है और ख़ासकर यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो बहुत खुशी से आ रहे हैं। तमाम वोटिंग सेंटर्स पर ऐसी ही बिल्कुल बने रहिए, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारी के लिए। हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए और बिने भी हमारे साथ लगातार जुड़े। बिने जी आपका रुख करते हुए, 24 सालों का झारखंड, हालांकि जब बिहार से अलग हुआ झारखंड तब
तमाम अलग अलग लोगों के अगर हम जहन में देखें तो एक ही सवाल था कि आखिर जो बिहार से अलग हुआ झारखंड तो कितना ज्यादा वो विकसित कर पाएगा। लेकिन झारखंड के साथ साथ जितने भी राज्य यहाँ पर, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले या फिर दूसरे अलग अलग राज्यों की बात कर ले, यहाँ पर विकास का दर भी बेहद कम है, पलायन का दर बेहद ज्यादा है, संपदाओं की यहाँ पर कमी नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ के ही क्षेत्र के लोग अलग दूसरे दूसरे राज्यों में जाते हैं, दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में पहुंचते हैं और समस्या उनकी जस की तस ही रहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती और परिश्रमी हैं। जब यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, जब यहाँ उनको काम नहीं मिलता है तो दूसरे देश के दूसरे कोने में जाते हैं और फिर अपनी प्रतिभा से, अपनी लगन से उन राज्यों को समृद्ध। सवाल तो यही है ना विनय जी कि यहाँ अपनी क्षेत्र में उनको क्यों नहीं रोजगार मिल पाता है? यहाँ 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 का जो व्यवस्था है, जो यहाँ सरकारें रही, उद्योग धंधा खुले इसके लिए ध्यान नहीं दे पाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है उद्योग धंधा खोलने में, यहाँ का कानून है, जमीन का जो कानून यहाँ है, खास करके एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट जो 100 साल पुराना कानून है, तो उस कानून के कारण जमीन बहुत मुश्किल से लोगों को रोजगार के लिए या व्यापार उद्योग के लिए मिल पाता है। ऐसे में जब तक इन कानूनों में कुछ संशोधन नहीं हो, अब होता क्या है कि ये कानून में अगर कोई संशोधन करने जाते हैं, जैसे पिछली बार रघुवर दास इसमें प्रयास किए, तो उनके खिलाफ एक माहौल पूरा आदिवासी समुदाय में हो गया कि भाई वो रघुवर दास जमीन हड़पना चाहते हैं और उनकी सरकार चली गई। नतीजा ये हुआ कि 28 जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, एसटी के लिए रिजर्व है, उसमें 26 सीटों पर भाजपा चुनाव हार गई। तो ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा, इन चीजों को सभी लोगों को, सभी दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि भाई अगर हम कुछ कानून में संशोधन करें, क्योंकि 100 साल पुराना कानून आज के परिस्थिति में आसमान जमीन का अंतर हुआ है। आज बिहार में या दूसरे राज्यों में जमीन बेचने पर कोई पाबंदी नहीं है, तो कितने लोग जमीन बेच रहे हैं? जब तक कोई जरूरत नहीं होता है तब तक कोई जमीन नहीं बेचता है किसी भी देश के राज्य, लेकिन यहाँ प्रतिबंधित है सबको, आप जमीन नहीं बेच सकते। अब स्थिति यह है कि अगर आदिवासी जिसके पास 30-40 बीघा अपना जमीन है, तो उसके जमीन के खरीदार सिर्फ आदिवासी हो सकते हैं, दूसरी जाति के लोग नहीं हो सकते, तो उसका वो मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो अगर 30-40 बीघा जमीन का जोतदार कोई आदिवासी होगा, अगर उसका फ्री होल्ड हो जाए जमीन किसी को भी, तो वो अरबपति तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन चूंकि कानून बना है, अंग्रेज के जमाने का कानून है, यहाँ लागू है और आज भी लागू है, और इन चीजों पर क्या है कि चुनाव में इनको मुद्दे को जोड़ दिया जाता है, चुनाव को भाई आदिवासियों के जमीन को हड़पने की साजिश, यहाँ के जल जंगल जमीन को हड़पने की साजिश है। तो वोट बैंक की राजनीति के कारण जितना विकास होना चाहिए उतना विकास क्षेत्र में नहीं हो पाया है। तो एक तरीके से ये समझा जाए कि आप ये कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन की जो लड़ाई पिछले लंबे समय से झारखंड में जो कि चली आ रही है, कहीं ना कहीं आपने जमीन का भी जिक्र किया, तो आपको लगता है कि क्या ट्राइबल एक्ट में भी कुछ करने की जरूरत है, वहां पर भी संशोधन करने की जरूरत है ताकि उनका विकास ही हो सके और क्षेत्र का भी विकास हो सके? नहीं देखिए, ट्राइबल एक्ट जो है कि आदिवासियों की जमीन बची रहे, इसके लिए उसका निर्माण किया गया। भाई ट्राइबल आदिवासियों की जमीन बची रहे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। मेरा तो ये कहना है ना कि जैसे आप बिहार के इलाके में चले जाइए, दूसरे अन्य राज्यों में चले जाइए, तो जिनकी जो जमीन है कोई जमीन अपना बेच रहा है क्या? आप चले जाइए बगल के राज्य है ना, भाई उड़ीसा है, बिहार है, वहां कहां कौन जमीन? जब तक जमीन जो है, जमीन से जिनके पास जमीन होता है, जमीन से जज्बात के साथ वो जुड़े होते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई बाप दादे की जमीन है, इसको हमको बचा के रखना है, वो तभी बेचते हैं जमीन जब बहुत विपत्ति होता है, बहुत जरूरत होता है। तो उन राज्यों में तो चूंकि फ्री है, किसी को आप बेच सकते हैं तो अधिक दाम मिल जाता है। झारखंड में स्थिति यह है कि आदिवासी अपनी जमीन केवल आदिवासी को, बिल्कुल, इवन कानून तो इतना कड़ा है कि अपने थाना क्षेत्र में बेच सकते। अब जब ये कानून बना था उस समय थाना क्षेत्र कई विधानसभा मिलके एक थाना हुआ करता था, बिल्कुल,
आज क्या है कि आज बहुत छोटे छोटे जगह थाना बन गया है। तो अब एक विधानसभा में दो दो तीन तीन थाने हुआ करता है। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं उनका दायरा कितना कम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसको जोड़ा जाता है, जज्बात के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और वोट बैंक की राजनीति के लिए, क्योंकि इसके लिए तमाम दलों को सोचना पड़ेगा, तमाम दलों के नेताओं पर इस पर विचार करना पड़ेगा, ठीक है। और उद्योग के लोग, उद्योग के लिए जमीन का निर्माण करना पड़ेगा, एक आप कह सकते हैं लैंड बैंक बनाना पड़ेगा, तो जो उद्योग खोलना चाहे उनको हम लैंड बैंक देंगे, ठीक है। विनय जी आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशील भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, अगर गुमला क्षेत्र की बात करें, भूषण तिर्की वर्सेस सुदर्शन भगत, किस तरीके के समीकरण यहां पर नजर आ रहे हैं जातियों के लिहाज से, और क्या कुछ ये मुद्दे दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से यहां पर जमीनी स्तर पर अगर जाकर देखा जाए तो उन्हें भुनाने की भी कोशिश की गई है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, झारखंड बने हुए 24 साल से अधिक का समय बंद हो गया है, लेकिन राजनीति के सत्ते पर जिसने भी बैठा, केवल झारखंड के लोगों को मूर्ख बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड के पास देश का सबसे अधिक माइंड मिलियंस होने के बावजूद भी, झारखंड के जिस इलाके में हम खड़े, आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े मतदाताओं की तस्वीर को आप देख सकते हैं, इनके चेहरे के दर्द को समझा जा सकता है। भले ही अपने शब्दों के माध्यम से बयान नहीं करते, लेकिन हर बार इस उम्मीद के साथ इन्होंने वोटिंग करने का काम किया है कि शायद इस बार शासन सत्ता में बदलाव होगा। शासन सत्ता जिसकी भी रही हो, लेकिन मूलतः कहा जाए तो जो गरीब स्तर के लोग है, जो गरीब तबके के लोग है, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य गुमला जिला में काफी अहम मुद्दा रखता है। मैं आपको बता दूं, राजेंद्र अभ्यास जिस विद्यालय में अभी मौजूद है, उस विद्यालय के ऊपर छत की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। आप समझिए कि छत की ये तस्वीर है, यही बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में बने हुए 24 साल से अधिक का समय होने के बावजूद भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुआ है, तो किस तरह से काम हुआ है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भी नेता यहाँ से चुनाव जीतता है, वो जो पहली बार अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करता है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी रहती है दिन प्रतिदिन इस रफ्तार से बढ़ती है, मान लो कि कुबेर का उसके ऊपर आशीर्वाद मिल गया है। और लेकिन झारखंड की जो गरीब जनता है, आप लोगों के चेहरे को देखकर समझ सकते हैं कि जिस चेहरे पर क्या दर्द है। मैं आपको बता दूं कि गुमला जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है, शिक्षा के नाम पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो अपने बच्चों को। सुशील, एक बार उनसे भी बातचीत कीजिए और उनके मुद्दे को भी समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज बताइए कि यहाँ पर क्या स्थिति है, इस बार क्या चुनाव में क्या मुद्दा है आप लोग का? ठीक से हॉस्पिटल की व्यवस्था है? हम यहाँ पर कुछ लोग और लोग मौजूद हैं जो वोटिंग कर चुके हैं, उनसे हम जानना चाहते होंगे। ये देखिए, आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि इनके चेहरे पर कितनी मासूमियत है, ये बता नहीं पा रहे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। एक चीज बताइए सर कि 24 साल हो गया झारखंड बने हुए, आप यहाँ के वोटर हैं, क्या बदलाव हुआ है शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में? बदलाव हुआ है बहुत, जो अपेक्षित होना चाहिए था तो नहीं हो पाया अभी तक। तो डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में भी दिलीप सिंह नामधारी ने वहां मौके पर पहुंचकर अपने परिवार के लोगों के साथ पहुंचकर मतदान किया है, और अपील यही है लोगों से कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, अपना ये बहुकीमती वोट जरूर कास्ट करें, ताकि अगले 5 सालों के लिए क्षेत्र के विकास को लेकर हो, क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे को लेकर हो, सरकार के चयन को लेकर हो, उसमें लोग अपनी सहभागिता जरूर निभाते हुए नजर आए। तो झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण है आज, और 43 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। बात अगर झारखंड के अलग अलग इलाकों की भी करें तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए, तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। लेकिन डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर दिलीप सिंह नांधारी ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया है, और वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी से कहा भी है कि आप अपने अपने घरों से बाहर निकलिए, और सभी से एक ही अपील है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपना वोट जरूर डालें। और चलिए कोडरमा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बाजार समिति में मॉडल बनाया गया है, पोलिंग सेंटर में मतदाताओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध है। यहां पर बता दें कि मतदाताओं के लिए पीने का पानी, व्हील चेयर्स भी यहां पर उपलब्ध है। मतदाताओं ने पोलिंग सेंटर में सुविधाओं की तारीफ भी की है। जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे, ये स्थानीय लोगों का कहना है। तो मुद्दे कई अलग अलग है, और अपने अपने मुद्दों को लेकर लोग अपने अपने केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। सभी लोगों से एक तरफ अपील भी है कि अपने घरों से बाहर निकले, चूंकि 5 साल में एक बार ये सिर्फ सुनहरा अवसर मिलता है जब क्षेत्र की जनता अपने इस महत्वपूर्ण वोट के जरिए अपनी सहभागिता निभाते हुए क्षेत्र के दिशा और दशा दोनों को तय करती है। कोडरमा की बात करें, बाजार समिति में मॉडल पोलिंग सेंटर बनाया गया है। सेंटर में मतदाताओं के लिए कई खास इंतजाम यहां पर किए गए, पीने के पानी को लेकर व्यवस्था यहां पर है, व्हील चेयर्स भी यहां पर उपलब्ध है।
झारखंड में आज 43 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोडरमा में, और देखिए कोडरमा में एक मॉडल इलेक्शन सेंटर्स बनाया गया है जहां पर सुबह से ही मतदान हो रहा है। प्लास्टिक मुक्त बूथ देखिए साफ तौर पर लिखा गया और किस तरीके से इसकी सजावट की गई है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनज़र पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अगर अंदर आते हैं तो मतदान चौक लिखा हुआ है और पूरी खूबसूरती से ये मॉडल सेंटर बनाया गया है, और वो तमाम कह सकते हैं कि व्यवस्थाएँ जो आमतौर पर मॉडल सेंटर्स में होती हैं वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहले व्हील चेयर्स हैं, जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए ये व्हील चेयर्स होते हैं जो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और देखिए कितनी खूबसूरती से इस मॉडल सेंटर को बनाया गया। हालांकि यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ है, यानी कि 4 यहाँ पर बूथ सेंटर्स हैं जहाँ पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। कोडरमा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और सुबह से ही यहाँ पर वोटिंग हो रही है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से खूबसूरती से इसे सजाया गया है। लोग जो हैं वो सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं झारखंड आम निर्वाचन चुनाव के तहत। जो देखिए किस तरीके से ये खूबसूरत बनाया गया विधानसभा चुनाव, और ये कोडरमा का यहाँ पर लोकेशन भी दिखा गया है। लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने वोटर आईडी कार्ड। मैम वोट दे दिए आपने? हाँ दे दिए। अच्छा, किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट दिया? क्या मुद्दे थे इस बार? मेरा मुद्दा था कि हम जैसे चुनाव होता है तो आके हम वोट देते हैं, कोई भी रहे जी। चुनाव मतलब देना अनिवार्य है, इसीलिए हम आते हैं काम छोड़ के सबसे पहले वोट देने आए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार कोडरमा में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या चीज़ है जो आज भी यहाँ पर कमी नजर आती है? होगा बदलाव, बहुत कुछ हुआ है और आगे भी। क्या नजर आती है आज भी? हमारे कमी कुछ नहीं है, हमारे कोडरमा में सारी चीजें होती है। तो जिनको भी वोट दिए उम्मीद है कि वो और बदलाव करेंगे। हाँ, और बदलाव करेंगे। देखिए बदलाव की उम्मीद है, लोग जो है यहाँ सेल्फी लेने पहुंचे हुए हैं, लेकिन तमाम वो व्यवस्थाएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर पीने का पानी भी दिया गया है, अलग अलग सेल्फी पॉइंट भी दिया गया है कि लोग जो मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं मतदान करने के बाद यहाँ पर वोट जो है वो देते हैं। देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो फोटो भी क्लिक करा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो मतदान केंद्र पर लोग पहुँच रहे हैं वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, और मतदान के बाद जो तस्वीरें हैं वो भी खिंचाई जा रही है। देखिए कई लोग जो है वो मतदान केंद्र पर आके मतदान कर भी चुके। क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद। अच्छा ये बताएं सर, किन मुद्दों पर आपने इस बार वोट दिया है? परिवर्तन का। कौन सा परिवर्तन आज भी लगता है कोडरमा में, कौन ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि वंचित है यहाँ पर, जो बदलाव होना चाहिए? पानी की समस्या हमेशा रहती है, नाली का बनना भी दुर्भाग्य है, नाली भी नहीं बन रहा, और रोड का तो जब बारिश होता है तो एक एक कमर पर घुटना पानी पड़ जाता है। इस पर विधायक का कोई भी